नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। क्या आप जानते हैं कि आखिर ज्यादातर त्योहारों जैसे गणेशोत्सव, दिवाली और बाकी के त्योहारों पर रंगोली क्यों बनाई जाती है? इसके साथ ही एक और सवाल जो हमेशा आप लोगों के मन में जरूर आता होगा कि क्या लक्ष्मी, गणेश या बाकी सभी देवता हमेशा ही दरवाजे से ही प्रवेश करते हैं? वे तो सर्वशक्तिमान होते हैं, तो उन्हें आम लोगों की तरह दरवाजे से आने की क्या जरूरत है? दरअसल यह प्रतीकात्मक है और इसके पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्य और दार्शनिक जवाब छिपे हुए हैं। हम दरवाजे पर रंगोली इसलिए सजाते हैं ताकि उससे केवल सकारात्मक ऊर्जा ही हमारे घर के भीतर प्रवेश करे। रंगोली के रंग और उसकी डिजाइन हमारे मनोभावों पर सकारात्मक असर डालती है। इससे हमें कलेश और चिंता से उभरने और दूर रहने में सहायता मिलती है। ठीक ऐसा ही असर हमारे घर में आने वाले मेहमानों पर भी पड़ता है। जब भी कोई हमारे घर में आता है, वह परोक्ष रूप से हमारे पर ऊपर के वातावरण पर भी प्रभाव डालते हैं। रंगोली के रंग और आकृति ऐसे मनोभावों को बदलने में सहायता करती है, इसीलिए घर के बाहर रंगोली सजाई जाती है। त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर या फिर किसी उत्सव पे घर के द्वार पर रंगोली सजाने की परंपरा इसीलिए चालू की गई। कई महाराष्ट्रियन परिवारों में रोजाना रंगोली सजाना नियम में शुमार है। कहते हैं यह घर में देवताओं और खास तौर पर लक्ष्मी के स्वागत में सजाई जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और रोचक कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे गणेशोत्सव विशेष सीरीज के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।